और भाई दिल्ली ने जिसे बोले कि जीत अपने पक्ष में करके, मतलब दिल्ली ऐसी टीम है जिसको लगता है कि यार जीत रही है लेकिन बोलती है कि भाई हमसे हमारे बस की नहीं है, आप ये मुकाबला ले लो, हमें जीतना नहीं आता। पृथ्वी शॉ ऐसे कैच टपकारे जैसे इनको फील्डिंग नहीं सिखाई जाती, बिल्कुल जिस तरह से आप देखिए लखनऊ, आयुष बडोनी ने भाई जिसे बोलते हैं ना कि हवा का जो रुख है वो पूरा पलट दिया भाई। दिल्ली के मुंह से आप बोले कि जीत एक तरीके से छीन लिया आयुष बडोनी ने, क्योंकि यहाँ पे जो विनिंग परसेंटेज है एलएसजी का 160 ऊपर जाते ही 100% है, मतलब डिफेंड करने के लिए ये टीम जानी जाती है। और आज वही हुआ कि 94 पे आपने 7 कर लिए थे, 6 कर लिए थे और उसके बाद से आप देखो 107 कर लिए थे, और वहां से एक पार्टनरशिप होती है आयुष बडोनी की और उनकी क्या नाम आप देखिए अरशद खान की, बिल्कुल वहां से देखिए कि 73 रन की पार्टनरशिप, वाह यार वाह, जिस तरीके से 42 गेंदों में 73 रन की पार्टनरशिप, 167 रन यहां पे लखनऊ की टीम ने बनाए हैं। आयुष बडोनी 35 गेंदों में 55 रन, शानदार 157 की स्ट्राइक रेट से, मतलब नीचे से आके मैच पलट दिया भाई ने। अब यहां से दिल्ली के बल्लेबाज कौन से हैं जो इतने रन बना देंगे? इकाना का ट्रैक है, स्लो सरफेस है यहां पे, नो डाउट केएल राहुल ने आज अच्छी बल्लेबाजी करी, 177 के स्ट्राइक रेट से 22 गेंदों में 39 रन बनाए। लेकिन आयुष बडोनी वो जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस क्रिएट करा आई थिंक वो आयुष बडोनी ने करा है, बिल्कुल। और आज देखिए दिल्ली की जिस तरह से स्टार्ट थी वहां पे आपने कुलदीप यादव से एक ओवर में ही 2 विकेट आपके लिए कुलदीप यादव ले गया, प्रेशर बनाते हैं, आपने चीजें जिस तरीके से अरशद खान को लेके थी वहां पे आप लेके आते, खलील को स्टार्ट में लेके आते जब आपकी 7 विकेट गिर गई थी, सही बात, वहां पे कुलदीप को आपने रोक लिया, अक्षर पटेल को फिर थोड़ी सी ढिलाई, यहाँ पे ढिलाई भी और थोड़ा सा वो रहता है कि कैप्टनसी में हमने देखा ऋषभ पंत की बार बार मतलब गलतियां निकल के आ रही है बार बार। आप यार नो डाउट यार दिल्ली कैपिटल्स के आप कप्तान हो, लेकिन हर बार वही गलती कि आप कोई बंदा अच्छी गेंदबाजी कर रहा है आप उसको रोक के दूसरा चेंज कर देते हो वहां पे। यही है ना कि जिस तरीके से आपके कॉल थे, आपने 92 पे आपके देखिए 7 विकेट लेने के बाद इस तरीके से अगर कोई टीम 167 रन बना देती है जिसमें से आपके दोनों यंग इंडियन स्टार, मतलब आयुष बडोनी ने लखनऊ, यार मैं तो ये सोच के इंप्रेस हो रहा हूँ कि यार आयुष बडोनी जो इतना नंबर नीचे आके वहां से उन्होंने गेम को एक तरीके से बोलते कि पलट ही दिया, मतलब आपको लखनऊ को जिता दिया बाय द वे उन्होंने, बिल्कुल यहां से अब गेंदबाजों की ब्रिलियंस होगी, मतलब गेंदबाज बहुत ज्यादा खराब ना करे लखनऊ के, तो ये मैच लखनऊ का ही है। और लखनऊ ने एक गलती कर दी बस, जो दीपक हुड्डा वाला जो कि लाने की स्थिति में थे लेकिन वहां पे इंपैक्ट ले आए, फिर वहां पे आप बॉलिंग में एक बार बॉलिंग चेक करते हैं कि लखनऊ में आपके लिए कौन ऑप्शन में है, यहाँ पे आपके लिए देखिए अरशद खान होंगे, रवि बिश्नोई, नवीन उलहक, यश ठाकुर, तो चीजें जो भी है कि आपके लिए एम सिद्धार्थ का ऑप्शन जो मिलता है एक स्पिनर आप एक्स्ट्रा ले आते वो अब आपको बॉलिंग दिल्ली कैपिटल्स बना पाएगी या ये मतलब चेज ऑन है या नहीं है ये बताइए आप सीधा। चेज तो ऑन है, अगर चेज ऑन है कहां से ऑन है जब कोई लखनऊ हारते ही नहीं है इतने रन में, लेकिन अब हमेशा 13 मैचेस में से देखिए इकाना की आज की पिच थोड़ी अलग दिखे, थोड़ा हाँ अलग तो दिखे, अगर यहाँ पे रन बने हैं तो आपको बनाना होगा और उस तरीके से आप खेल दिखाना होगा। पृथ्वी शॉ दिल पे ले ली उन्होंने बात की मैंने कैच छोड़ा है मैं ही बनाऊंगा, अब पृथ्वी शॉ को करना भी होगा ना जिस तरीके से, अगर पृथ्वी शॉ ने कैचेस छोड़े प्लस रन उनकी पारी मुंबई के खिलाफ अच्छी रही थी और आज भी उनको वो करना होगा, रन बना के दिखाने होंगे, नहीं तो टीम जो है फंसती है ना, फिर दिल्ली की टीम एक बार बुरी तरह से फंसेगी और आने वाले टूर्नामेंट में आरसीबी के बाद इनका नंबर होगा बाहर होने के लिए। मुझे लग रहा है कि दिल्ली अगर ये मुकाबला हार गई ना तो आरसीबी के बाद दूसरी सही बोला आपने कि दूसरी टीम बन जाएगी कि भाई नीचे से टॉप आपको करना है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी नीचे से टॉप कर ही रही है वैसे तो दिल्ली, और बुरी तरीके से फंस जाएगी दिल्ली की टीम। सोनी बोर्स कह रहे हैं क्या ये पार स्कोर है सुनील भाई ऑन दिस पिच, भाई बिल्कुल है 160 से ज्यादा इस पिच पर आराम से डिफेंड हो जाते हैं भाई कि वो बचा लेंगे, और मुझे लगता है कि केएल राहुल की टीम ने वो काम कर दिया है कि 70% मुकाबला जो है वो अपने हक में कर लिया है। यहाँ पे अब गेंदबाजों को थोड़ा सा संभल के गेंदबाजी करनी होगी अगर लखनऊ के मुकाबला जीतना है। दिल्ली कैपिटल्स मतलब यार आप मतलब ये मानोगे कि यार मतलब इतनी आज ऐसा लग रहा था बहुत बैलेंस टीम है, आज ऐसा लग रहा था कुलदीप यादव भी हैं, मुकेश कुमार भी हैं, ईशान शर्मा भी है, आपको बेस्ट बॉलिंग अटैक था आज आपके पास और वो आपने काफी हद तक किया भी, लेकिन उसके बाद से आपने आयुष बडोनी और मतलब उनसे क्या नाम है उनका मोहम्मद अरशद खान से आपने 73 रन खा लिए, बिल्कुल, और जिस 7वें विकेट के लिए आपकी 7 विकेट गिर गई, आप मेन बॉलर अपने ले आते वहां पे खलील से वो जो ओवर था उस पे कराते वो यॉर्कर के लिए जाते और जब चांसेस क्रिएट होती
वहां भी आपने ढिलाई कर दी आपके, आप देखिए कप्तान ने आपके जो ग्राउंड के 38 सर्कल में आपने किसको लगा रखा है, पृथ्वी शॉ को। वो भाई पहले बड़ोनी के वो उछल के कैच नहीं पकड़ पाए, जो अर्शद खान का है उसको भी टपका दिया। फिटनेस में बहुत ज्यादा इनके साथ काम करना पड़ेगा भाई। देखो बैटिंग से कुछ नहीं होता, फील्ड पे भी आपको रन रोकने होते हैं, कैचेस पकड़ने होते हैं, हाफ चांसेस को फुल में कन्वर्ट करना होता है, यही टीम गेम होता है भाई। आप अगर बैटिंग के बलबूते खेल रहे हो तो भाई मत खेलो। दिल्ली कैपिटल्स ये भाई, दिल्ली कैपिटल्स पृथ्वी शॉ को इतना बैक क्यों करती है, क्या रीजन है इसके पीछे? कब बहुत बड़े प्लेयर है ये, यंग स्टार को जिस तरीके, अरे यंग स्टार तो फिटनेस पे काम करे ना, यंग स्टार है तो वाली चीज, यंग स्टार आयुष बडोनी को देखो यार क्या फिटनेस है, कमाल की बंदे की। रन बनाए मुंबई के खिलाफ, रन बनाए सीएसके वाले मैच में रन बनाए, लेकिन वही चीज है कि आप केवल बैटिंग के लिए नहीं आते ना, आप फील्डिंग भी तो करोगे ग्राउंड पे। अगर आप यंगस्टर हो किस तरीके से लेजीनेस दिखाओगे तो आपकी टीम के लिए फायदा नहीं होगा। उसके लिए आपको इस तरीके से जो कहते हैं ना कि फील्डिंग में भी एफर्ट दिखाओ, रन बचाओ, कैच पकड़ते तो शायद 160। आप यार देखो डीसी की हर सीजन यही हालत है, हर सीजन यही कहानी है कि भाई मैच अपने पाले में कर लेते, उसके बाद एक ऐसा फेज आएगा कि आप बोलोगे कि भाई ऐसा है हम लोग जीतने के लिए नहीं बने, आप ये मैच को ले जाओ। श्रीकांत कह रहे हैं कि पंत नहीं, पता नहीं डीसी कैसे चोक कर देती है। भाई वही मैं बात कर रहा हूं, सुनील ओपी की गर्लफ्रेंड बोल रही है माई ओपी पंत फ्रस्ट्रेशन फील्डर पर शो कर रहा है, ओवर थ्रो कर रहे हैं टीम के, शोल्डर ड्रॉप, ये क्या कैप्टनसी है। वही मैंने बोला कैप्टनसी बहुत ज्यादा बेकार है यार, बिल्कुल उस तरीके से आप डांट रहे हो कि भाई रिव्यू नहीं बचा। हाँ। मतलब ये क्या है, मतलब ऋषभ फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं आप अपने, बिल्कुल यही सब चीजें कि आपने रन लीक किए। और मैं तो बताऊं एक चीज दिल्ली के लिए फायदा हुआ है, क्या फायदा हुआ, हेनरिक नोकिया नहीं थे लास्ट ओवर में। हाँ बस ये फायदा हुआ है, नहीं तो ये 167 का मतलब 25 रन और एक्स्ट्रा काउंट कर लो। ये चीजें थी भाई कि आपने 167 को उस माइंडसेट से निकाल दो कि एकाना में चेज नहीं होते, आप उस तरीके से आओ कि भाई हमें खेलना है, खेलना है। ओवर आप खेल जाते हो सही से तो ये मैच आप निकाल सकते हो। लेकिन दिल्ली आपको लगता है कि 20 ओवर ढंग से खेल पाएगी? कौन है इस टीम में, डेविड वार्नर बनाएंगे, पृथ्वी शॉ बनाएंगे? और देखिए अभी एक उनकी बात करें, बॉलिंग की बात करें तो इतने बड़े नाम उनके पास भी नहीं है। अगर रवि यार, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, आप ठीक है, आपके क्या नाम, नवीन उलहक, तो आपके वार्नर कौन से बच्चे हैं? हाँ वार्नर यार इतने बड़े इंटरनेशनल बड़े नाम है भाई, आप फ्रेशर मैगर को लेके आए, शे होप को लेके आए। अश्वनी सिंह कह रहे हैं कि आज दिल्ली जीतेगी भैया, देखते हैं भाई। ऋषभ पंत पहले रिव्यू लेते हैं फिर बोलते हैं मैंने रिव्यू नहीं लिया ऑन फील्ड पर, झूठ बोल रहे हो क्या, डीआरएस लेते, ये वाइड वाला ही सिस्टम तो नहीं है? उन्होंने बोला ऐसे किया डीआरएस के लिए, फिर अगर आपने नहीं लिया तो थर्ड एम्पायर पे क्यों जाता, क्यों जाता है, एम्पायर ने वर्ड दे ही रखा है। तो ये सब चीजें मतलब बहुत ज्यादा पैनिक करने वाली चीजें दिख रही थी, और यही है कि आपने पैनिक किया तो 167 भाई दिल्ली यार, ये तो मानना पड़ेगा कि हर सीजन पैनिक करती है भाई, ये मैचेस में हर सीजन पैनिक करती है, और इस बार यार कप्तान बदल गया, लेकिन दिल्ली की कहानी वही की वही है। बिल्कुल आपने जिस तरीके से पिछले साल ऐसा लग रहा था यार डेविड वार्नर ठीक है नहीं हो रही कप्तानी, बट वो ठीक है यार, एक बंदा आपको नहीं जीता था, कप्तान नहीं जीता था, सबको रोल निभाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ऋषभ पंत भी आ गए तब भी कुछ नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा था ऋषभ पंत आ जाएंगे तो कुछ चीजें बदलेंगी, चेंज होंगी। सुनील ओपी की गर्लफ्रेंड बोल रही है ब्रिलियंट मैच्योर इनिंग्स बाय बडोनी, बट ये दीपक हुड्डा क्या कर रहा है? बडोनी ने यार एक बार फिर प्रूव किया है कि भाई यंगस्टर्स को क्यों बैक करना चाहिए। बिल्कुल उन्होंने दोनों आज के मैच में जिस तरह से लोग कह रहे थे ना कि आप दीपक हुड्डा को लाते हो बडोनी हटा देते, तो भाई बता दिया दीपक हुड्डा भी आ गए बडोनी भी आ गए, उन्होंने कहा था जो इसलिए मुझे रखा जाता है मैं वो करके दे रहा हूं, और वो किया भी उन्होंने। बडोनी ने मैच्योरिटी वाली इनिंग्स के लिए सिंगल डबल से आप देखिए कितने, कुलदीप ने यार खलील ने आपके लिए गेम बना के दिया है, और आपने उसको गेम को बोला कि भाई लूट लो, और वहां पे भी जब 7 विकेट गिर गई थी ना तो आपको मेन बॉलर को लाना चाहिए था, अटैक करवाना चाहिए था, आप रोक के रखते हो कुलदीप यादव को, खलील को अंतिम ओवर्स के लिए रोक के रखते हो, तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल ही, आप ऊपर से किल नहीं करते, आपको लगता है कि लास्ट ओवर तक जाने दो। 92 पे 7 विकेट है, आप ले लेते भाई 120 पे अगर टीम ऑल आउट हो जाती, मैंने वो भी बोला था आपसे कि अगर 120 पे टीम ऑल आउट होती है तो थोड़ा सा चांस, लेकिन यहाँ तो 167 बन गया। सही बात है, अपने आप में खुद पे उन्होंने अपने आप को चैलेंज दे दिया बड़ा। तो यहाँ से क्या लग रहा है कि कौन जीत रहा है आपको लगता है? ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि अगर आपके शुरू में रन लग जाएंगे ना तो मिडिल ओवर्स लड़खड़ाएगी तो अंतिम वाले बल्लेबाज भी बना देंगे। आपके पास ऐसे प्लेयर है ना जिनको स्पिन पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, आपके फ्रेशर मैगर आएंगे, ट्रिस्टन स्टब्स आएंगे, वही है कि अगर चल गए तो भाई वार्नर चल गए तो आपके मैच पहले निकल जाएगा। कौन है इनके पास? वार्नर है, आपके पृथ्वी शॉ है, फिर आपके फ्रेशर मैगर गए, शे होप है, ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत है, तो खिलाड़ी तो है आपके पंत पास। तो स्पिन अच्छा खेलते हैं, चेज नहीं हो पाएगा। अब वो कह रहे हैं
सुनील ओपी की गर्लफ्रेंड डीसी, बिगेस्ट मिस्टेक वाज अय्यर को हटाकर पंत को कैप्टन बनाया था, तब से दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टनसी में फ्लॉज हैं। यार अब जो भी है देखो, अब के अय्यर अच्छे वाले कैप्टन थे, फिर वो इंजर्ड हो गए थे, फिर वो चले गए थे, फिर पंत को बीच में कैप्टन बनाया, फिर वो जब ठीक भी हो गए थे तब उनको नहीं बनाया था। बिल्कुल, वहां पे फिर एक सीजन वो पंत की कप्तानी में भी खेले। उसके बाद आप ऐसी चीजें करते हो, पृथ्वी शॉ पे इतना भरोसा दिखाया, भाई आज करके जाना होगा इनको, अगर उन्होंने टीम ने भरोसा दिखाया तो आप करके जाओ, नहीं तो फिर वही है कि आपके लिए चीजें सही नहीं चलेंगी। पृथ्वी शॉ को करना पड़ेगा, डेविड वार्नर को करना पड़ेगा, लेकिन यार केएल राहुल से इंप्रेस है आज आप। केएल राहुल ने देखिए जिस तरह से स्टार्ट किया था, क्योंकि देखो उन वो बढ़िया खेल रहे थे, लेकिन है ना दूसरे एंड पे विकेट नहीं मिल टिक पा रही थी, तो उनको भी लगा फिर ये क्या है। वही चीज है ना कि जिस तरीके से उन्होंने किया वहां पे अटैक किया, अगर विकेट जो इनको एज भी लगा, अगर पूरन वाली जो दो ओवर में विकेट नहीं गिरती तो चीजें और भी बदलती। तो ये सब थे कि आपने स्टार्ट लिया, लेकिन स्टार्ट को उस तरह से कहते हैं कि कैपिटलाइज नहीं कर पाए, लेकिन अंत में जो वडोनी ने किया लड़ने वाले, वडोनी ने आज मैं बता रहा हूँ केएल राहुल को बचा लिया। बिल्कुल, अगर वही चीज है कि भाई केएल राहुल पे आज फिर बिल पड़ता, और वो भी है ना कि आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पे चीजें चल रही हैं कि 160 वाला फैक्टर, तो टीम के बॉलर को तो ये माइंडसेट में दे दिया ना कि हमने 160 से ऊपर बनाए हैं। वसीम वासी खान कह रहे हैं, सुनील भाई, शुभेंदु भाई मेरे कमेंट हमेशा लेते हैं, आप नहीं ले रहे हो, मैं अनसब्सक्राइब। अरे भाई मैं कमेंट ले रहा हूँ यार, आप क्यों परेशान टेंशन ले रहे हैं, आपका सवाल भेजिए। आप कौन सा सवाल है, मैं एक बार ऊपर देख लेता हूँ कि आपका कोई सवाल है क्या। वसी खान, सवाल सबके लिए जाएंगे यार। यार हाँ, वसी खान कह रहे हैं कि सुनील भाई ओनली वार्नर एंड स्टब्स मैच विनर है। बिल्कुल, मतलब वार्नर का तो मैच विनर माना ही जाता है, लेकिन ऋषभ पंत भी स्पिन अच्छा खेलते हैं, वहाँ करना होगा। और लखनऊ के पास एक कहते हैं ना जो पावर प्ले में एम सिद्धार्थ बढ़िया बॉलिंग करके गए थे, आज के मैच में वो नहीं दिखेंगे, इसलिए टीम थोड़ी सी फंसेगी। स्टोइनिस का भी रोल बढ़ेगा, प्लस जो अरशद खान है पहला मैच खेल रहे बॉलिंग से, उनका भी देखना होगा। आपके जो करने वाले मेन बॉलर है, आपके पास चार बॉलर है, आपके नवीन ओझा, नवीन है, फिर आपके यश ठाकुर हैं, कुणाल पांड्या और रवि बिश्नोई, और पेसर दो ही हैं इनके पास। हाँ, फिर वो अभी है ना अरशद खान है। अरशद खान का पहला मैच है वो, किस अच्छा ओवरसीज कोई भी पेसर नहीं है, नहीं ओवरसीज कोई भी, नवीन है। ये चीज है कि वहां पे वेरिएशन, और स्टार्ट में अगर विकेट लूज कर दी टीम ने तो दिक्कत हो जाएगी फिर यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। स्पर्श कह रहे हैं एलएसजी ने दिल्ली को हल्के में ले लिया था, मुझे पहले ही लगा था, लेकिन बाद में फिर भारी में ले लिया उन्होंने, पहले में हल्के में ले लिया था लेकिन बाद में भारी में लेके उन्होंने उस चीज को कवर अप कर लिया। बिल्कुल, वो चीजें है ना कि जिस तरीके से आपको स्टार्ट मिली थी ना, अगर आप 130 तक रखते टीम को तो ये चीजें होती कि 130 पे आप आराम से खेलते, चीजें आप 8 के रन रेट से जा रहे हो, वहां पे फिर विकेट गिरेगी, रन रेट ऊपर बढ़ेगा। लेकिन अगर पावर, सीधा सवाल, कौन जीत रहा है, हाँ या ना? मैं तो लखनऊ के साथ हूँ, साथ नहीं कि ये जीत रही है, हाँ या ना? में आप दिल्ली को बोलो, मैं तो दिल्ली बोल ही रहा हूँ, लखनऊ जीत रही है। नहीं बिल्कुल, वो जायज भी है, क्योंकि यहाँ पे यार देखो जो उन्होंने एडवांटेज था ना दिल्ली कैपिटल्स ने, पूरा जो मोमेंटम लखनऊ की टीम लेके गई है ना वापस ड्रेसिंग रूम में, कि भाई यहाँ से हमने 73 रन बना दिए, जबकि आधे पे उनकी आधी टीम से ज्यादा पवेलियन लौट चुकी थी, और वहां से देखिए कि उन्होंने कैसे कम बैक करा, आपके अरशद मोहम्मद अरशद खान ने और आपके आयुष बडोनी ने। बिल्कुल, ये थोड़ा सा मुझे लगा कि यहाँ पे गेम उन्होंने अपने पाले में कर लिया है, 73 रन की पार्टनरशिप है, और आपको ये देखिए ये क्या, आयुष बडोनी एट नंबर 7 इन द आईपीएल, 7 इनिंग में 207 रन बनाए, 152 का स्ट्राइक रेट, क्या कमाल है भाई, नंबर 7 पे उनको भेजो, नंबर 7 पे खेला और उन्होंने बढ़िया खेला, जिस तरीके से अरशद खान को भी टीम में लेके आए, बैटिंग से उन्होंने एक तरह से संभाल दिया। 94 पे 7 हो गए थे इनके 12 ओवर में, वहां से ये 20 ओवर खेल गए, 13 ओवर में मान लीजिए, चलो वहां से 7 ओवर में खेल गए, विकेट भी नहीं गिरी, विकेट भी नहीं गिरी, 7 ओवर में इन्होंने 73 रन लगा दिए विकेटलेस और विदाउट विकेट। खलील अहमद का स्पेल भाई, 4 ओवर में 41 रन दिए भाई ने, 2 विकेटें ली हैं, चलिए ठीक है इकोनॉमी इनकी ज्यादा है, बट विकेटें ली। ईशान शर्मा 4 ओवर में 36 रन 1 विकेट, बढ़िया स्पेल रहा इनका। मुकेश कुमार 4 ओवर 41 रन 1 विकेट। अक्षर पटेल 4 ओवर 26 रन, इम्प्रेसिव। कुलदीप यादव 4 ओवर, कुलदीप तो खैर किंग है ही, 4 ओवर 20 रन 3 विकेट, तो ये इन्होंने गजब की गेंदबाजी करी है। और यहां से अब देखते हैं यार दिल्ली की कैपिटल्स की अप्रोच क्या रहती है,
क्या वो डिफेंसिव माइंडसेट से खेलेंगे या फिर अटैकिंग अप्रोच से खेलना चाहिए, क्योंकि इस ट्रैक पे अगर आप अटैकिंग अप्रोच अपनाओगे ना तो आप विकेटें दोगे फिर, देखिए वार्नर को तो, क्योंकि ये टोटल ऐसा है अंकित कि यहाँ पे आप फंसते हो ना कि आपको पता ही नहीं है कि तेज खेलना है स्लो खेलना है। अगर आप स्टार्ट नहीं करते तेजी से तो दिल्ली की टीम के पास देखिए ऐसे बड़े नाम फिनिशर नहीं है, आपको अगर 12-13 के रन रेट से बनाने होंगे ना, ऋषभ पंत बड़े नाम नहीं है तो ऋषभ पंत तो 3 नंबर पे आ जाएंगे ना, आप खेलने 4 नंबर पे। क्रिस्टन स्टब्स तो है यार, क्रिस्टन स्टब्स फिर वही है स्पिन का मामला फंसेगा आपके लिए, तो चीजें आपको क्लियर करनी होंगी। और लखनऊ की टीम भी जिस तरह से शुभेंदु भाई भी बोल रहे थे कि ग्राउंड बड़ा है, ग्राउंड बड़ा है तो स्पिनर्स का रोल बहुत ज्यादा अहम होगा, और प्लस जो कहते हैं ना कि पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पूरन फेल हो चुके हैं, पूरन नहीं पढ़ पाए कुलदीप यादव, पूरन तो मैंने आपको बोल रही था पहले, तो वो चीज है कि यहाँ पे पूरन तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही, आपके 66 रन पे 4 विकेट थी, मतलब 70 तक आपके पास, ये तो मानिए यार, हाँ मतलब बता दिया था, लेकिन जिस तरीके से चीजें चल रही हैं तो दिल्ली के लिए भी आसान तो होने वाला नहीं, आसान भाई लखनऊ के लिए भी नहीं है और दिल्ली के लिए भी नहीं है, मतलब लखनऊ के लिए वैसे आप बोल सकते हैं कि थोड़ा इजी है क्योंकि साइकोलॉजिकल जो बैरियर था वो उन्होंने क्रॉस कर लिया है कि भाई 160 वाला कि यहाँ से ऊपर बना दिया तो मैच जीत जाएंगे, और बल्लेबाजी यहाँ पे दिल्ली की शुरू हो चुकी है, पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर इज ऑन द क्रीज, और देखते हैं कि 167 को ये कैसे चेस करते हैं या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स इसको डिफेंड कर लेगी। फिलहाल अभी इजाजत लेते हैं, थैंक यू सो मच लाइव में जुड़ने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, फिलहाल चलते हैं, जय हिंद जय भारत।